हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आज उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग स्टेयर के सीढ़ी एंड जीना के बारे में फुल डिटेल्स में वीडियो देखने वाले हैं, और इसमें हमको क्या गलती नहीं करना है दोस्तों, यह हम आपको बताएंगे। ये देखिए, आप एक साइट इंजीनियर हैं, सुपरवाइज़र हैं, फ्रेशर हैं, बिल्डर हैं, या आप अपना घर बनाने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों इन सब चीज़ों को हमको ध्यान देना है, जिससे हमारी जो स्टेयर केस जो सीढ़ी होती है वो मजबूत बने रहेगी। अक्सर हमारे हमको शिकायत रहती है कि जो हमारी सीढ़ी है वो बीच से क्रैक हो गई या बैठ गया, तो ये सब चीज़ों हमको ध्यान देना है दोस्तों। देखिए, हमारा स्टेयर केस फ्लाइट टिपिकल प्लान चल रहा है, जो हमको RCC कंसल्टेंट के द्वारा प्रोवाइड होता है। इस तरह से आपसे हमको काम करना होता है। देखिए दोस्तों, मेन स्टील बार 10 mm 120 सेंटर का है, डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 mm का सेंटर है, और जो कवरिंग दिया गया है 25 mm का दिया गया है, और देखिए बेस स्लिप जो 150 mm का दिया गया है दोस्तों, और ये जो हमारा बेंटा बार है 600 है, टॉप एक्स्ट्रा बार 600 mm है, आपको हम पूरा वीडियो में बताने वाले। देखिए दोस्तों, हमको स्टील बारने से पहले सेंटरिंग को हमको प्रॉपर चेक कर लेना होता है। सेंटरिंग को और शटरिंग को हमको प्रॉपर चेक करने होते हैं कि हमारे जो प्रॉक्स लगे हैं वो प्रॉपरली लगे हैं कि नहीं लगे हैं, जो हमारे चाबी हैं सेंटरिंग है वो प्रॉपरली लगे हैं कि नहीं लगे हैं। बाद में क्या होता है दोस्तों, जब भी हम लोग कंक्रीट को कास्ट करते हैं उस पर लोड आता है, तो जिससे हमारी सेंटरिंग खुल जाती है, तो हमारा देखिए इन सब की चीज़ों को हमको प्रॉपरली चेक कर लेना है। ये देखिए आपको, देखिए दोस्तों ये आपको दिख रहा है जो बेस स्लेब है, ये हमारा बेस स्लेब है, 150 mm थिकनेस का बेस स्लेब रहेगा। ये स्टील वायर बाइंडिंग शेड्यूल आपको दिख रहा है दोस्तों, देखिए ये जहाँ पे बैठे हुए हैं, ये हम लोग मिड लैंडिंग स्लेब बोलते हैं। ये देखिए, ये हमको बीम है, ये मिड लैंडिंग बीम में हमारा जो सरिया दिया हुआ है LD प्रोवाइड नहीं किया है, ये रॉन्ग है दोस्तों। इन सब चीज़ों को हमको चेक करना है, अभी आपको हम बताने वाले हैं। ये चीज़ हमको रॉन्ग है, अभी आप वीडियो में सुधार करके मिलेगा। देखिए इस तरह से हमारा बार बेंडिंग है, देखिए आपको ये देखिए, ये हमारा फ्लाइट है, फ्लाइट के ऊपर हमको कवरिंग प्रॉपरली चेक कर लेना है दोस्तों। यह जो आपके सामने दिख रहा है, ये देखिए ये हमारा टॉप एक्स्ट्रा बार है, ये जो बेस स्लैब है 2100 का है, इसके हिसाब से L/3 के हिसाब से दोस्तों हमारा 600 आना चाहिए। ये देखिए L/3, ये आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि 400 ही मिला है, तो हमको इसमें लैब प्रोवाइड करना है, और अपने को 400 चाहिए ही चाहिए L/3 के हिसाब से जो रहता है टॉप एक्स्ट्रा बार। और टॉप एक्स्ट्रा बार इसलिए डालते हैं दोस्तों कि जो हमारा स्टार्टअप में और एंड में वहाँ टेंशन जोन होता है, वहाँ लोड ज़्यादा प्रोवाइड करता है, तो वहाँ क्रैक होने के और टूटने के ज़्यादा चांस रहते हैं, तो इसलिए हमको टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं। यहाँ लोड हमारा ज़्यादा आता है। देखिए ये हमारा आप मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार है, तो मेन बार जो 120 सेंटर टू सेंटर है, और डिस्ट्रीब्यूशन बार 150 सेंटर टू सेंटर है। ये देखिए जो अपना दोस्तों टॉप भी, देखिए ये जो टॉप एक्स्ट्रा बार है अपना 600 है, आपको देखने को मिला होगा। और दोस्तों ये जो हम लोग बेंट अप बार टॉप एक्स्ट्रा बार को बेंड किए हैं, इनको हमको 45 डिग्री पर बेंड करना होता है। और ये जो देखिए चेयर प्रोवाइड किया गया है, और चेयर इसलिए प्रोवाइड करते हैं दोस्तों कि जो डबल मेस के जाली हैं वो आपस में टच ना हो, जब भी हम लोग कंक्रीट करें इनका स्पेस मेंटेन करने के लिए हम लोग चेयर प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए हम लोग मिड लैंडिंग स्लेब पे खड़े हैं, इसमें भी प्रॉपरली चेयर प्रोवाइड किया गया है। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह से स्टील का बार बेंडिंग शेड्यूल है, आपको प्लान स्क्रीन पर दिख रहा है। तो दोस्तों ये देखिए, इस तरह से हमको ये नीचे से गया है, फिर यहाँ टॉप पे आ गए, और जो अपना बेस स्लैब से आया है वो बॉटम में चले गए। देखिए दोस्तों, ये हमने LD प्रोवाइड कर दिया, जब आपको दिखाए थे पहले, ये हमने LD प्रोवाइड कर दिया, हमको
ये करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, स्टील चेकिंग को कवर प्रॉपरली चेक करना होता है। देखिए ये जो हमारे डबल मेस के जाली बांधे हुए हैं, ये मिड लैंडिंग बीम है, मिड लैंडिंग स्लैब पे डबल मेस के जाली बांधे हुए हैं दोस्तों। एज पर प्लान के हिसाब से हमको चलना है। ये दोस्तों जो अक्सर जो हमारे मिड लैंडिंग स्लैब होते हैं वो 1200 बाई 2400 के होते हैं, 1200 बाई 1200 के होते हैं, इस हिसाब से होते हैं। और जो हमारे अभी करंट में जो हम लोग, ये देखिए ये जो करंट में हमारा सीढ़ी की चौड़ाई है वो 4 फीट है, बोले तो 1200 mm है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा, तो पसंद आएगा तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा सा भी सीखने को मिला है तो दोस्तों इस वीडियो को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे जो वीडियो रहेगी वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। ये देखिए ये दोस्तों हमने स्टील इंस्टॉलेशन कर लिया। स्टील इंस्टॉलेशन करने के बाद में हमारे ट्रेड और राइजर हैं, और ट्रेड की बात किया जाए तो दोस्तों 270 की हैं, और जो राइजर हैं वो 160 की हैं। तो दोस्तों जो नॉर्मल साइज होता है ट्रेड और राइजर का, ट्रेड का बात किया जाए तो 270 से 300 तक का होता है, और जो राइजर होता है 150 से 180 तक का होता है। ये देखिए हमने प्रॉपरली हमको LD चेक कर लेना है, कवर ब्लॉक चेक कर लेना है। ये दोस्तों बिफोर कास्टिंग करने से पहले हमको ये जो स्टेप हमारे बैठाए गए हैं वो वाटर लेवल से हमको चेक कर लेना है कि जो हमारे स्टेप हैं ऊपर डाउन तो नहीं है, कहीं बेस स्लैब ऊपर नीचे तो नहीं, इन सब चीज़ों को हमको चेक करना होता है। ये देखिए दोस्तों कास्टिंग हो गया, ये हमारा पूरा फुल वीडियो। तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।